बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आलियाज किचन और व्लॉग्स में आपको वेलकम कहते हैं। जी मेरे प्यारे व्यूवर्स, आप सब कैसे हैं? अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। मेरी यूट्यूब फैमिली, आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है ज़र्दा। और एक किलो जो है वो मैंने चावल बॉयल कर लिए हैं ज़र्दा रंग डाल के। हाफ के जी मेरे पास जो है वो चीनी है, इलायचियाँ ले ली हैं, यहाँ पे जो है मैंने मेवा और कोकोनट ले लिया है। तो अब अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मेरे पास एक केजी चावल थे, मैंने इसको ज़र्दा रंग डाल के अच्छे से बॉईल कर लिया है। और यहाँ पे देखते हुए मेरे पास एक गिलास पानी है, इसके अंदर मैं चीनी डाल के चाशनी बना लूँगी। जी अब इसके अंदर मैंने चीनी शामिल कर दी है और कुछ इलायचियाँ डाल देंगे। जी यहाँ पे जब मेरी चीनी मेल्ट हो जाएगी तो इसके अंदर जो है वो मैं एक कप भर के ऑयल का शामिल कर दूंगी। जी यहाँ पे जो है चीनी मेल्ट हो चुकी है, अब इसके अंदर जो है एक कप मैं ऑयल का शामिल कर दूंगी। ये आज आपको मैं अपने स्टाइल से ज़र्दा बता रही हूँ। जी यहाँ पे चाशनी तकरीबन मेरी पक चुकी है। देखें जब इस तरह की लुक आती है तो हमारी चाशनी रेडी हो जाती है। और ऊपर ये जो वाइट वाइट आता है ये आप छन्नी से इसको उतार लिया करें। जी ये चाशनी के अंदर मैंने चावल डाल दिए हैं और अब चाशनी जो है वो तकरीबन ड्राई हो चुकी है। तो अब इसको जो है वो मैं दम लगाने लगी हूँ। जी ये जो है मैंने कोकोनट और किशमिश भी डाल दिया। जी यहाँ पे माशाल्लाह जो है वो मेरा ज़र्दा चावल रेडी है। इसके ऊपर मैंने थोड़े से गुलाब जामुन और रसगुल्ले उससे गार्निश कर दिया है। इसका टेस्ट बहुत अच्छा है, आप चाहें तो खोया भी शामिल कर सकते हैं। तो अब आपने मेरी रेसिपी को फॉलो करना है और आपने मुझे फीडबैक देना है। और मेरा चैनल जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।